हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा वीडियो आधारित है बाल गंगाधर तिलक पर। तो आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। इनके हम विभिन्न पहलुओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। तो बाल गंगाधर जो तिलक थे उनका पूरा नाम था केशव गंगाधर तिलक। और ये अभी हाल ही में क्यों चर्चा में हुए हैं, क्योंकि 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की देश में 103वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई, इसलिए हम इन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। और जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई सन 1856 को, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार से थे। बाल गंगाधर जो तिलक थे वह भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक एवं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। अब हम इनकी विचारधारा के बारे में हम जानने की कोशिश करें कि इनकी विचारधारा कैसी थी, ये किस मानसिकता के व्यक्ति थे और ये किन चीज़ों को मानते थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वह दृढ़ हिंदुवादी विचारधारा से प्रेरित थे और उनका मानना था कि लोगों को उत्पीड़न में लड़ाई हेतु जागृत करने के लिए वह हिंदू धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल करते थे। और दूसरी आती है कि वह उन्होंने स्वशासन की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना था कि स्वशासन या फिर स्वराज्य के बिना प्रगति संभव नहीं है। और उनका एक प्रसिद्ध नारा है जो हम सभी जानते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। ये इनका एक प्रसिद्ध नारा है जिसके बारे में हमने सभी स्कूल्स में जरूर पढ़ा होगा। और जो इनकी जो विचारधारा थी वह बाल गंगाधर तिलक मतलब राजनीतिक उत्थान के साथ साथ वह सांस्कृतिक एवं धार्मिक पुनरुत्थान पर भी महत्व देते थे। वह सांस्कृतिक एवं धार्मिक जो उत्थान होता है या जो पुनरुत्थान उसको भी महत्व देते थे। और एक अंग्रेजी पत्रकार थे जिनका नाम था वैलेंटाइन शिरोर। उन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था इंडियन अर्नेस्ट में कहा था कि जो तिलक है वह भारतीय अशांति के जनक है। मतलब इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था अंग्रेजी पत्रकार ने। और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में जो गणेश चतुर्थी उत्सव था उसको लोकप्रिय बनाया। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शिव जयंती मनाने का भी आह्वान किया था। तो ये इनकी विचारधारा थी जिसके बारे में हमने जाना। और अब हम जानते हैं इनके राजनीतिक योगदान के बारे में कि इनका राजनीतिक योगदान क्या था, राजनीति में इनका योगदान क्या था। जो बाल गंगाधर तिलक थे वह पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता एवं स्वशासन के सबसे शुरुआती एवं पुखर समर्थकों में से एक थे। और जो बाल गंगाधर तिलक थे वह लाला लाजपत राय विपिन चंद्र पाल के साथ वह जो चरमपंथी और दृष्टिकोण वाले जो वर्ग था उनमें से जो लाल बाल पाल की तिगड़ी का ये हिस्सा थे। और ये जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था उसमें जो उग्रवादी और उदारवादियों वाले दलों में से उन्होंने उग्रवादी वर्ग के मतलब उग्रवादी के वर्ग का ये हिस्सा बन गए थे जो बाल गंगाधर तिलक थे। जो उग्रवादी होते हैं वह प्रदर्शन के माध्यम से अंग्रेजों से मुक्ति पाना चाहते थे, अंग्रेजों के अत्याचार को समाप्त करना चाहते थे प्रदर्शन के माध्यम से। और जो उदारवादी होते हैं या जिनको नरमपंथी भी बोला जाता है वह प्रशासनिक एवं सामाजिक सुधार उनका उद्देश्य था। और उन्होंने उनके दो पत्र प्रमुख जो पत्र थे वह प्रकाशित हुए थे बाल गंगाधर तिलक के। पहला था केसरी, ये था ये मराठी भाषा में था। दूसरा था मराठा, ये था ये अंग्रेजी भाषा में था। और उनकी दो प्रमुख फेमस पुस्तकें भी हैं जिनका नाम है, पहली है गीता रहस्य, इसकी बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका स्टोरी क्या है गीता रहस्य लिखने के पीछे। दूसरी थी द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास। तो ये दो प्रमुख इनकी पुस्तकें थी। और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने अपने सहयोगियों जैसे गोपाल गणेश आयंगर एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर एक सोसाइटी की स्थापना की थी सन 1884 में इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम था डेक्कन
एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी, और जिसका उद्देश्य था कि एजुकेशन लिखा है तो हम समझ सकते हैं कि जिसका उद्देश्य था कि भारत में शिक्षा का स्तर सुधारना, ये इस सोसाइटी का उद्देश्य था। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन थी उनमें इनका क्या योगदान था, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वह स्वदेशी विचारों के समर्थक थे, और वह लोगों को जो विदेशी वस्तुएं थे उनके बहिष्कार करने को प्रेरित करते थे। अब हम पहले जानते हैं होम रूल आंदोलन 1916, ये दो प्रकार का था, मतलब ये टाइप होम रूल आंदोलन एक ही था, लेकिन जो भारतीय जो होम रूल आंदोलन था वह आयरिश की तर्ज पर, मतलब ये पहले आयरलैंड में शुरू किया गया था होम रूल आंदोलन, और उसी की तर्ज पर ये ब्रिटिश भारत में इसको शुरू किया गया। इसकी शुरुआत जो हुई थी वह सन 1916 में की गई थी, होम रूल आंदोलन को 1916 में शुरू की गई थी, जिसका काम था कि जो अंग्रेजी बोलने वाले जो उच्च वर्ग के जो भारतीय लोग हो उनको स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मंच प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। अब एक भारत में भी एक होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन। ये जो था अखिल भारतीय, इसको शुरू किया था सन 1916 में ही शुरू किया था, बेलगाम में शुरू किया गया था, और ये तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ये जो अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन था वह महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में ये काम करता था ये होम रूल आंदोलन। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे लखनऊ समझौता 1916। ये जो लखनऊ समझौता था वह राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तिलक के नेतृत्व वाली जो पार्टी थी वो कांग्रेस, और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ समझौता 1916 कहा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तिलक पर राजद्रोह मुकदमा। जो तिलक पर राजद्रोह मुकदमा था इसकी भी एक स्टोरी है जिसे हम मुजफ्फरपुर बम विस्फोट के नाम से जानते हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी थी कि क्या हुआ था कि 30 अप्रैल सन 1908 ये टाइम चल रहा था, और इस दिन जो क्रांतिकारी थे, जो दो प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनका नाम था, पहले नंबर पर थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी। इन्होंने एक जज का नाम था डगलस, इनको मारने के लिए इन्होंने मुजफ्फर बम विस्फोट किया और इनकी गाड़ी में एक बम रख दिया, लेकिन गलती से क्या होता है कि वो जो जज थे वह उस गाड़ी में बैठते ही नहीं है और उनकी जगह पर दो ब्रिटिश महिलाएं बैठती हैं, तो बम विस्फोट के कारण उन दो ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो जाती है, क्योंकि इनका उद्देश्य था कि डगलस को मारना और वो जिंदा बच जाते हैं। तो इसके बाद जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे उन्होंने पुलिस की गिरफ्तारी से पहले सुसाइड कर लिया, और जो खुदीराम बोस थे उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद से ही बाल गंगाधर तिलक की जो जिंदगी थी वह बदल जाती है, क्योंकि उन्होंने इन दोनों क्रांतिकारियों के पक्ष में अपने अखबार केसरी में एक लेख लिखा था। इस लेख के लिखने के कारण जो अंग्रेज थे उनके होश उड़ गए थे, और उसके बाद 3 जुलाई 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर दिया जाता है, और उन्हें उनकी 6 साल की सजा उन्हें सुनाई जाती है, और उन्हें मांडले जेल में यानी वर्मा के मांडले जेल में भेज दिया जाता है, और उसी जेल में रहने के दौरान वो 400 पन्नों का एक किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है गीता रहस्य। तो ये जो गीता रहस्य ये पुस्तक है यह मांडले के जेल में लिखी जाती है 400 पन्नों की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि लेख लिखने पर 6 साल की सजा, इसमें 18 महीने की है, 18 महीने की जेल, लेख लिखने पर 18 महीने की जेल। अब इन्हें लेख लिखने पर इनके, चूंकि ये पत्रकार थे तो ये कई प्रकार के अंग्रेजों के खिलाफ भी लेख लिखा करते थे, और जो उदारवादी जो वर्ग था उनके खिलाफ भी इन्होंने काफी आलोचनाएं की अपने अखबार के माध्यम से। तो एक और इसके पीछे कारण ये था कि 1896 से 1897 के बीच में महाराष्ट्र में एक महामारी, मतलब प्लेग नाम की एक महामारी फैली थी महाराष्ट्र में, और उसी
और महामारी फैली थी, और जो उस टाइम पे जो इस महामारी से निपटने के लिए एक महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों के खिलाफ ये लेख लिखा गया था, जिसे लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। और इस लेख में जो था वह कमिश्नर चार्ल्स रैंड, जो कमिश्नर थे उस टाइम के वो चार्ल्स रैंड थे, उनके खिलाफ उन पर निशाना साधा गया था। और उसी के प्रेरित होकर, मतलब उसी लेख से प्रेरित होकर दो युवा थे जिनको चापेकर बंधु बोला जाता है। तो उन चापेकर बंधुओं ने इस लेख के बाद जो कमिश्नर थे रैंड, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार होती है, यानी कि जो ब्रिटिश पुलिस थी, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये इस सुनवाई एवं सजा के बाद इन्हें लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य का अर्थ होता है जनता का लोकप्रिय नेता। और इसी के बाद से इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी जाती है, और उसके बाद उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई जाती है जेल में। और इसी अपने जेल में रहने के दौरान ये बाल गंगाधर तिलक जो थे वह अपने स्वराज के विचारों को विकसित करते हैं इसी टाइम के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करें चरमपंथियों का युग। ये था 1905 से 1917 के बीच में। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। ये सभी जो नेता थे वह चरमपंथी नेता थे, और इन्होंने अपने लेख के माध्यम से देश में कई क्रांतिकारी गतिविधियों को जन्म दिया था। और ब्रिटिश भारत और उदारवादियों के विरुद्ध, मतलब उदारवादियों के खिलाफ इन्होंने काफी आलोचनाएं की थी, इन सभी चरमपंथी जो नेता थे वो। अब हम जानते हैं इनके सामाजिक विचार। अभी हमने इनके राजनीतिक विचार भी देखे, इनकी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देखा। अब हम देखेंगे इनके सामाजिक विचार, इनके मतलब जो समाज से संबंधित इनके क्या विचार थे। तो ये राष्ट्रवादी कट्टर पंथी होने के बावजूद इनके जो सामाजिक विचार थे वो रूढ़िवादी थे। मतलब ये आधुनिक नहीं थे, इनके विचार जो थे पुरानी परंपरा के अनुसार रूढ़िवादी थे। और ये हिंदू महिलाओं की आधुनिक शिक्षा के लिए काफी खिलाफ थे। मतलब इनका मानना था कि जो हिंदू महिलाएं हैं उन्हें आधुनिक शिक्षा प्राप्त ना कराई जाए। और एक और आता है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वे शुरू से ही जो उम्र विधेयक के खिलाफ विरोध में थे। जो उम्र विधेयक था वह लड़कियों की जो शादी की उम्र थी वह 10 साल से बढ़ाकर 12 साल करने का प्रस्ताव था। लेकिन हालांकि जो तिलक थे वह इस विधेयक के या इस शादी की उम्र बढ़ाने के खिलाफ नहीं थे। उनका मानना था कि ये जो शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ये धार्मिक एवं सांस्कृतिक में हस्तक्षेप ये हो सकता है। इन्होंने इसे उस नजरिए से देखा। अब हम देखें इनके सम्मान एवं पुरस्कार कि इन्हें क्या सम्मान क्या पुरस्कार दिए गए। तो 28 जुलाई सन 1956 में बाल गंगाधर तिलक का चित्र जो था वह संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इसका लगाया गया बाल गंगाधर तिलक के, और जिसका उद्घाटन किया था, जिसका अनावरण किया था तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसका अनावरण किया था इस चित्र का। जो तिलक स्मारक रंग मंदिर, ये एक मंदिर था, ये पुणे के एक थिएटर ऑडिटोरियम में स्थापित था और ये तिलक को समर्पित था ये मंदिर। और सन 2007 में भारत सरकार द्वारा उनकी 150वीं जयंती पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। और जो बाल गंगाधर तिलक के स्मारक के रूप में मांडले की जेल में एक फ्लेक्स कम लेक्चर जो के निर्माण लेक्चर हॉल का भी निर्माण किया गया, और इसके लिए मांडले ने यानी कि वर्मा की औपचारिक अनुमति भी प्राप्त की गई। अब हम जाने इनकी फिल्में या इनकी फिल्मों के बारे में कि भारत में कई बाल गंगाधर तिलक पर आधारित फिल्में बनी हैं, जिसमें सन 1951 में बनी थी, यानी 1951 में बनी थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से, और दूसरी फिल्म बनी थी 1957 में लोकमान्य तिलक के नाम से। तो ये दो भारतीय फिल्में थी जो इन पर ही आधारित थी। अब हम इनके निधन पर बात करें तो जो बाल गंगाधर तिलक थे इनका निधन असहयोग आंदोलन के शुरुआत के दिन ही यानी कि 1 अगस्त सन 1920 को हो जाता है, 1920 को। और इन्हीं स्वतंत्रता आंदोलन के सम्मान एवं इन्हीं के बलिदान के लिए जो गांधी जी थे उन्होंने एक तिलक फंड की भी स्थापना की जाती है।
और बाद में उनकी श्रद्धांजलि के रूप में जो महात्मा गांधी थे वह बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा, और जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय पुनर्जागरण का उन्होंने आधुनिक भारत का जनक के नाम से भी इन्हें संबोधित किया। तो ये था बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूरा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ थैंक यू।